शुभ संध्या दोस्तों, मैं आपको 9वीं कक्षा के संचयन पुस्तक का दूसरा चैप्टर जो स्मृति है उसके बारे में संक्षिप्त में विश्लेषण करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये कहानी 1908 की है। दिसंबर जनवरी का महीना होगा तो 2-3 दिन पहले बारिश हो गई होती है जिसके कारण ठंड काफ़ी बढ़ गई होती है। तो दो लड़के, दो भाई झाड़ियों में जाके बेर का फल खा रहे होते हैं, तभी एक आदमी उनको आवाज़ देता है और आवाज़ देकर कहता है कि तुम्हारा भाई तुम्हें बुला रहा है, जल्दी जाओ। अब ये डर जाते हैं, यार हमारा भाई हमें क्यों बुला रहा है, कहीं बेर के मालिक ने कंप्लेन तो ना कर दी जिसकी वजह से हमें मारेगा। अब ये डर डर के रास्ते में जा रहे होते हैं। जब वो घर पे घुसते हैं तो वो देखते हैं कि वो उनका भाई पेड़ के नीचे लेटर लिख रहा होता है। अब जैसे ही वो ये देखते हैं उनका डर गायब हो जाता है। भाई उन्हें अपने पास बुलाता है और कहता है ये लो लेटर 3 और इन्हें जाके पोस्ट ऑफिस में आप जमा कर दो ताकि शाम की पोस्ट से वो चले जाएं। तो भाई वो लेटर लेके रेडी होते हैं, नीचे धोती कुर्ता, सर पे टोपी और हाथ में लाठी ले लेते हैं। अब चूंकि उनके कुर्ते में जेब नहीं होती जिसकी वजह से पॉकेट नहीं होती, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि जो लेटर उन्होंने भाई ने उनको दे रखा होता है वो टोपी के अंदर रख लेते हैं और टोपी सर पे होती है। लाठी इसलिए लेते हैं ताकि रास्ते में सांपों का वो आतंक होता है तो शाम का टाइम होने वाला होता है तो वो सोचते हैं लौटते वक्त या जाने टाइम अगर कोई सांप मिलेगा तो लाठी से मार देंगे। और उस समय वो ये याद भी करता है कि इस लाठी से उसने कितने सांप मार रखे हैं, मतलब राइटर ने। एक धोती को वो क्या करते हैं अपने सर पे, मतलब कानों में लपेट लेते ताकि ठंड इतना होता है। और इसमें यहाँ राइटर जो है वो बता रहे होते हैं कि ठंड इतना होता है कि इनकी हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है उसको भी गला दे, मतलब ठंड काफी विभीषक होता है। माँ उन्हें एक धोती में भूंजा हुआ कुछ खाने को दे देती हैं ताकि जाने के टाइम अगर भूख लगे आने जाने के टाइम तो वो खा सके। अपनी इस यात्रा में निकलते हैं और वो उछलते कूदते अपने इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं और एक कुएं के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो इस कुएं के पास पहुंचते हैं तो उन्हें याद आता है कि हमें अब एक शरारत करनी है। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो इसी रास्ते से अपने स्कूल को भी जाते थे डेली, और उस रास्ते में जब ये कुआं पड़ता था तो ये क्या करते थे इन सारे बच्चे मिलके इनके कक्षा के और इनके स्कूल के, कि वो पत्थर लेते थे और कुएं में मारते थे। तो कुएं में एक सांप गिर गया होता है और जब भी ये पत्थर मारते थे तो सांप फुफकार के गुस्से में फुफकारता था। तो जैसे ही कुएं के पास पहुंचते हैं इन्हें लगता है आज भी वो शरारत क्यों ना करी जाए। अब ये क्या मतलब राइटर जो है क्या करता है, वे ढेला उठाता है और अपना मुंडी कुएं में मतलब कुएं में की ओर देखते हुए कुएं की ओर झुकाता है और पत्थर मारने को ही होता है। तब तक क्या होता है, इसकी टोपी खुल जाती है और लेटर कुएं में गिर जाता है। अब लेटर गिरना होता है तो ये उछल मतलब उसको लपकने के लिए मतलब एक तरफ से वो करता है कि यार कहीं कैसे हाथ में आ जाए, बट वो गिर जाते हैं नीचे। अब जैसे ही लेटर गिरते हैं अब इसकी हालत खराब हो जाती है कि अगर घर में जाके भाई को बताया तो भाई इतना पीटेगा कि मार ही डालेगा, और नहीं बतलाता है तो बेचारा क्या करेगा। अब जब जीवन मरण की एक तरह से बात आ जाती है कि यार अब कुछ करना ही है तो इसको एक रास्ता सोचता है अब क्या करे यार, तो नीचे जाके क्यों ना मैं सांप को मार के लेटर ले आऊं। अब यही इनके पास आखिरी रास्ता बचता है। राइटर और उसका छोटा भाई क्या करते हैं कि वो अपनी धोती खोलते हैं तथा दो धोतियां जो उन्होंने कानों में बांध रखी थी ठंड से बचने के लिए वो खोलते हैं, और एक धोती जो उन्होंने माँ ने भुंजे हुए कुछ खाने को दे रखा था वो पांचों को बांधते हैं और कसकर बांधते हैं। ट्राई भी कर लेते हैं कि भैया खुल ना जाए कहीं, तो दोनों आपस में खींच वींच के देख ट्राई कर लेते हैं कि भैया खुले ना, गांठ इतनी तगड़ी हो। और वो उसे क्या करते हैं, कुएं में लटका देते हैं। कुएं में कैसे लटकाते हैं, तो कुएं के बीच में एक आपने देखा होगा कि वो लकड़ी रखा होता है जिससे के सहारे रस्सी पानी डाल के या लोग खींचते हैं, तो उसमें बांध के और छोटे भाई को एक मुंह दे देता है कि कहीं अगर बांध अच्छी ना हो तो वो पकड़े रखे। और वो राइटर उस रस्सी मतलब उस धोती के सहारे नीचे उतरता है। अब जैसे ही धोती के सहारे राइटर उतर रहा होता है तो भी थोड़ा सा नीचे बस थोड़ा सा ही उतरना बाकी रह जाता है, देखता क्या है कि सांप अपना पूरा फन उठाए मतलब गुस्से में उसकी ओर देख रहा होता है कि कब नीचे उतरे मैं डसूं। अब नीचे देखता है तो कुएं का आकार वैसे कच्चा कुआं होता है, मिट्टी का कुआं होता है, तो देखता है कि यार ये तो 4 फुट का ही कुआं है, मतलब इसका जो डायमीटर है वो 4 फुट का ही है।
और सांप से अगर वो, क्योंकि वो बीच से उतर रहा होता है तो सांप से दूरी उसकी ज्यादा नहीं होती, तो वो डर जाता है उतरूंगा या उतरते ही काट लेगा। तो वो क्या करता है कि वो एक पैर का धक्का देता है दीवार पे, कुएं के दीवार पे, जिसकी वजह से कुछ मिट्टी गिरती है और सांप उधर लपकता है और ये फिर नीचे आ जाता है। अब नीचे आ जाता है तो एक लेटर तो इसकी साइड में होता है और दो लेटर सांप के जस्ट किनारे पे होते हैं। अब ये कहता है क्या करे, तो वहीं पे बेचारा, अब इसको कुछ सूझ नहीं रही और ऊपर से इसके साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये सांप को लाठी से मार भी नहीं सकता, क्योंकि लाठी बड़ी होती है और कुएं का डायमीटर छोटा, तो उसको लाठी को उस कुएं में चलाना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये 4-5 मिनट वहीं पे खड़ा रहता है, उधर सांप भी इस पे अटैक नहीं कर रहा होता। तो ये सोचता है, फिर ये प्लान लगाता है कि यार ऐसा क्यों ना करता कि मैं लाठी से दबा के लेटर को अपनी तरफ खींच लूं और फिर उठा के मैं निकल जाऊं बाहर। वो क्या करता है कि फिर लाठी लेटर के पास ले जाता है। अब ले जाता है, इतने में सांप फुंकारता है और वो डर से उसके हाथ से लाठी छूट जाती है। फिर किसी तरह साहस बांध के फिर वो मतलब लाठी उठाता है और फिर वो लेटर के पास ले जाके दबाता ही है। तब तक क्या होता है कि सांप 2-3 बार उस लाठी को डस लेता है और इसको ना वो जो डसता है तो वो जो जहर होता है वो लाठी के किनारे पे लग गया होता है। तो इसको देख के और इसकी हालत खराब हो जाती है। फिर किसी तरह ट्राई व्राई करके ये लेटर अपने तरफ ले लेता है और उठा लेता है। अब ये इतना थक गया होता है कि अब इसको ऊपर चढ़ने की हिम्मत नहीं होती। फिर भी किसी तरह हिम्मत करके पूरा अपना दमखम लगा के, बाजू इसके फूल जाते हैं, धोती से ऊपर चला जाता है और जाके पोस्ट ऑफिस में अपना लेटर दे देता है। कुछ सालों बाद ये अपनी मम्मी को, मतलब 10वीं का परीक्षा जब ये दे चुका होता है उसके बाद ये अपनी मम्मी को ये बातें बताता है, तो मम्मी इसको प्यार से अपने गोद में ले लेती है। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो और आपको इस विश्लेषण को लेकर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक्स।